नमस्कार, मैं प्रिया। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज साप्ताहिक रोजगार समाचार में हम आपसे बात करेंगे एनवीएस, सीजीपीएससी, बीपीएससी, सीईसीआरआई, एचपीपीएससी, बलोद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जेएसएससी, आरएसएम, एसएसबी, आरआरसीसीआर, आईओसीएल, यूकेएसएसएससी, आरसीआईएल की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1925 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री या पीजी ह्यूमैनिटीज में या साइंस में या कॉमर्स में या फिर 10+2 या इसके समकक्ष कोई डिग्री या बीएससी नर्सिंग में या बीकॉम या फिर डिप्लोमा रेलेवेंट सब्जेक्ट में या 10+2 और शॉर्ट हैंड टाइपिंग का ज्ञान भी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आईटीआई रेलेवेंट ट्रेड के या फिर आईटीआई रेलेवेंट ट्रेड में या 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 साल अधिकतम 45 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 750 रूपये से 1500 रूपये आवेदन शुल्क के रूप में आपको जमा करने पड़ सकते हैं। आखिरी तारीख 10 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप navodaya.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन सीजीपीएससी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है यूनानी मेडिकल ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 19 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 30 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को 300 रूपये और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को 400 रूपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 16 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 286 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल साइंस या बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग इन केमिस्ट्री में या फिर सिविल में या एनवायरमेंटल साइंस में या पब्लिक हेल्थ में या बायोटेक्नोलॉजी में या प्लानिंग और आर्किटेक्चर में। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 37 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी को 750 रूपये, एससी एसटी महिला और पीएच को 200 रूपये। इच्छुक और उम्मीदवार 10 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सीईसीआरआई की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, रिसेप्शनिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 14 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 या ग्रेजुएशन अकाउंटेंसी में और टाइपिंग का अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके साथ ही शॉर्ट हैंड अंग्रेजी में भी होना अनिवार्य किया गया है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 28 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी को 500 रूपये और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 14 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.cecri.res.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचपीपीएससी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है क्लर्क। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 20 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष कोई डिग्री, इसके साथ ही टाइपिंग में अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है। अंग्रेजी की बात करें तो इसमें 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट स्पीड आपकी होनी चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो एज पर एचपीपीएससी रूल्स ये तय किए जाएंगे। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर को 360 रूपये और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को 120 रूपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 15 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप hpssb.hp.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बालोद छत्तीसगढ़ की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, सिस्टम असिस्टेंट, सिस्टम ऑफिसर, असिस्टेंट ग्रेड। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 33 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन, डीसीए और टाइपिंग का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके साथ ही शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। वहीं इसके अलावा बीई या बीटेक या एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस में या आईटी या फिजिक्स या स्टैटिस्टिक्स या ऑपरेशन या इसके समकक्ष कोई डिग्री या डिप्लोमा या आईटीआई रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो
18 से 30 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 7 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप balod.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है JSSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। पद की बात करें इसका नाम है असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 956 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 35 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UROBC को ₹100, SC ST को ₹50 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 14 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप jssc.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSM SSB की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर इंजीनियर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1092 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास डिग्री या डिप्लोमा रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UROBC को ₹450, OBC NCL को ₹350, SC ST को ₹250, करेक्शन चार्ज ₹300 लगेंगे। आखिरी तारीख 19 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे RRCCR मुंबई की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ट्रेड अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 2422 है। जहां तक ट्रेड की बात है तो इसमें फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टेलर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, डीजल मैकेनिक, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लेबोरेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, शीट मेटल वर्कर, मशीन टूल्स मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, मोटर व्हीकल मैकेनिक, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस शामिल है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें कक्षा 10वीं पास होना 50% अंकों के साथ अनिवार्य है। इसके साथ ही ITI रेलिवेंट ट्रेड में भी होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 15 से 24 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UROBC EWS को ₹100, SC ST PH और महिलाओं को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 16 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप RRCCR.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ट्रेड अप्रेंटिस टेक्नीशियन अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 571 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, अकाउंटेंसी, डेटा एंट्री, रिटेल सेल्स। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 ITI रेलिवेंट ट्रेड में होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन रेलिवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 24 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 15 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप IOCL.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड UKSSSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 28 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो इसमें बैचलर्स डिग्री फिशरीज साइंस में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 42 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 5 मार्च 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप ssc.uk.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है डिप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 69 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो इसमें टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मार्केटिंग, फाइनेंस, लीगल, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी नेटवर्क और IT डिसिप्लिन तय किए गए हैं। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मार्केटिंग या फिर MBA, CA, ICWA, CMA या LLB या MCA या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री, साथ ही साथ वर्किंग एक्सपीरियंस भी अनिवार्य किया गया है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 34 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UROBC EWS को ₹1200, SC ST PWD को ₹600 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 23 फरवरी 2022 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.railtailindia.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही रोजगार से जुड़े समाचार में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।